भाइयों बहनों, आप सभी का स्वागत है हमारे मंच में। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज बांग्लादेश से मैच होने वाला है, जो कि काफी उम्दा बल्लेबाजी गेंदबाजी करोगे आप लोग, ये उम्मीद करता हूँ मैं आपसे। वही बात कर लेते हैं, पिछले मैच में काफी अच्छा परफॉर्मेंस किए थे रोहित शर्मा। वही बात कर लेते हैं, जब पाकिस्तान के खिलाफ मैच हुआ था तो यहाँ पर लुल कर दिए थे। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं अपना फॉर्म तोड़ दिया। तो वही बात कर लेते हैं, अगर आज के मैच में रोहित शर्मा से नहीं होता है कैप्टानी तो मुझे दे दो, मैं अपना सब कुछ छोड़ के क्रिकेट पर ध्यान दूंगा। जय हिंद जय भारत। मोदी दादा, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, आप तो बात सही कर रहे हो ससुरी, लेकिन ये जो रोहित शर्मा है, मैंने उस दिन देखा था पाकिस्तान के खिलाफ जब मैच हुआ था, तो मैंने इसको देखा था ये अपने गर्लफ्रेंड से बात करने में बिजी था। भैया मुझे तो लग रहा है उनका ही कमाल है, ये ससुरू के गेम पे ध्यान नहीं दिया है, इसलिए नहीं खेल पाया है अच्छे से। जय हिंद जय भारत। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हमारे पांड्या भाई काफी तगड़ा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। सॉरी, ये मेरा पोता हो गया, इसने मुझे दादा कहा है। ठीक है मोदी दादा, ठीक है, इस मैच में भी बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस करेंगे, टेंशन ना लियो, टेंशन ना लियो, हम उठा उठा के पहलेंगे ससुरी के। भाई बहनों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे गेम के सबसे तेज गेंदबाज महेंद्र सिंह धोनी जैसा कोथी बोला गया, बुमराह काफी अच्छा गेंदबाजी किए है। अरे ससुरी के, हमें लग रहा है मोदी दादा को खांसी हो गया क्या, अटक अटक के बोल रहे भैया, ये क्या हो रहा है भैया। अरे मोदी दादा, ये बात तो ससुरी कह रहे हो ससुरी, लेकिन कहा बतावे यार, उन दिन ना मेरी गर्लफ्रेंड का सच में कॉल आ गया था ससुरी, लेकिन यार मैंने उनको ब्लॉक कर दिया था ससुरी। वाह मेरे शेर, तुमने ब्लॉक करके बहुत अच्छा किया, लड़की का चक्कर इंसान को बर्बाद कर देता है। अनुष्का बेटा, आज के गेम में तुम्हें स्टेडियम मत आना, क्योंकि विराट का परफॉर्मेंस धीरे धीरे खराब होता जा रहा है। अरे मोदी दादा, जब मैं स्टेडियम जाती हूँ तभी ये खेलते हैं, और जब मैं इसे फ्लाइंग चुम्मा देती हूँ तो ये छक्के मारते हैं। वाह अनुष्का, कितना अच्छा शायरी करते हो तू। अगर मैं नहीं जाऊंगी तो ये खेल नहीं पाएगा, मेरा फ्लाइंग केस इसके लिए एनर्जी का काम करता है, तभी ये छक्का मारता है। मेरी जान, अगर मैं नहीं जाऊं तो ये दुनिया का सबसे बेकार खिलाड़ी हो जाएगा, इसलिए मुझे रहम करो, मुझे जाने दो, वरना बांग्लादेश इसे हरा देगा। अरे ससुरी, इतना ज्यादा बड़ाई मत किया करो यार, यहाँ पे देख रहे हो बड़े बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं। ससुरी यार, क्या ही बेइज्जती करवा रही हो, मुझे पता है कि फ्लाइंग किस से ही यहाँ पर मैं एनर्जी मिल पाता है, वो मेरे लिए हथियार का काम करता है। ससुरी भाई बहनों, मैंने ये मीटिंग गेम की बातें करने के लिए रखा था, लेकिन यहाँ पे कुछ और होने लगा, इसलिए जय हिंद जय भारत।